ये हमें जो लिमिट दी गई है ये लिमिट क्लियरली इरेशनल है। तो पहले तो देख लेते हैं कि ये कैलकुलेट डायरेक्ट कैलकुलेटिव है या फिर इनडिटर्मिनेंट है। तो उसके लिए आपको वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी ये ज़ूम करते हुए कि ये क्या है, डायरेक्ट कैलकुलेटिव है। अब वैल्यू प्लेस करोगे तो रूट टू माइनस एक्स की वैल्यू हमने रूट टू प्लेस कर दी, जहाँ भी एक्स है वहाँ पर हमने टू प्लेस कर दिया। तो क्लियरली आपका न्यूमरेटर भी वैनिस हो गया, दैट मीन्स जीरो आ गया, और डिनोमिनेटर भी आपका जीरो आ गया। दैट मीन्स ये क्या है, एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसका मतलब कि हमें इनडिटर्मिनेंसी क्या करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हमें इनडिटर्मिनेंसी रिमूव करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दो तरीका है। एक पहला तरीका आपका है कि जो रूट एक्स माइनस रूट टू, और नीचे वाले को आप क्या कर लीजिए, एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, और नीचे टू को रूट टू का स्क्वायर लिख लीजिए, और नीचे आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी प्लेस कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, मतलब रूट एक्स माइनस रूट टू, और दूसरी ब्रैकेट में आपका हो गया रूट एक्स प्लस रूट टू, और ऊपर आपका रूट एक्स माइनस रूट टू तो है ही, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम रेगुलर है जो रेशनलाइज कर लें। तो रेशनलाइज करके हम लोग देख लेते हैं कि चूंकि न्यूमरेटर आपका जो है इरेशनल है तो हम उसे रेशनलाइज कर लेंगे। तो आपके पास रूट एक्स माइनस रूट टू होल अपॉन एक्स माइनस टू, तो न्यूमरेटर में आपका ए माइनस बी है, दैट मीन्स रूट एक्स माइनस रूट टू है। आप क्या करो, रूट एक्स प्लस रूट टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज भी नहीं होगी, और साथ में एक जो आपके पास सिस्टम जनरेट होगा वो सिंप्लीफाइड होगा, बस इतना सा फर्क होगा, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू, ऊपर आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर का मतलब आपका रूट रिमूव हो गया, ठीक है, तो ये एक्स आ जाएगा, और रूट टू का स्क्वायर मतलब रूट रिमूव हो जाएगा, वहाँ भी टू आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका एक्स माइनस टू टाइम्स रूट एक्स और प्लस रूट टू है। ये जो इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा था यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया, यही काम आपका पहले हुआ था, ठीक है, जो आपका दूसरा पहला तरीका हमने बताया था कि इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक, लेकिन ये आपका इरेशनल के लिए क्यूब रूट होता, फोर्थ रूट होता, तो ये हमेशा वैलिड रहेगा, लेकिन ये बार बार आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो शायद। खैर, हम लोग यहाँ पे अब जो सिस्टम जनरेट हुआ है वो डिटर्मिनेंट सिस्टम जनरेट हुआ है, तो वहाँ पे सीधे एक्स की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटिव जनरेट हुआ है, तो एक्स की वैल्यू हम लोग प्लेस कर देते हैं, तो रूट टू और प्लस रूट टू, तो ये क्या हो गया आपका, टू टाइम्स रूट टू हो गया, तो जो आपकी लिमिट है ये वन बाई टू रूट टू आ गई।